हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने भतीजे भतीजियों को, भांजे भांजियों को कितना प्यार करते हैं ना, कितना लाड़ करते हैं। और जब हमारे लाड़ प्यार को ठुकरा कर वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं तो हम पर क्या गुजरती है, ये तो भुक्त भोगी ही बता सकते हैं। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं छाया वर्मा आज आपको सुनाने आई हूं अपने परिवार में बहुत पहले घटी एक दुखद घटना, जिसको मैंने लघु कथा का रूप देने की कोशिश की है। और ये लघु कथा वर्ष 1996 में, 1996 में प्रसिद्ध पत्रिका कादंबिनी में प्रकाशित हो चुकी है। शीर्षक है और मिल गई, और मिल गई। तो सुनाती हूं अपना ये संस्मरण। आज याद आ रहा है वो दिन जब मैं एक फूलों से सजी कार में अपने मायके की दहलीज भरे दिल से छोड़कर निकल चुकी थी और अब ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। ये दिन आज अचानक इतने दिनों बाद इसलिए याद आ गया क्योंकि मेरे अतीत के उस दिन के साथ जुड़ा है आज का एक दिन। तमाम लोगों की भीड़ को चीरती हुई मेरी सासू माँ और मेरी नंद मुझे सहारा देकर घर के प्रवेश द्वार तक ले जा रही थी। उसी समय के कुछ क्षण मुझे बार बार याद आ रहे हैं। एक नन्हा मासूम सा चेहरा बार बार मेरी घूंघट में झांककर मेरा चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। वे उत्सुक आंखें मुझे आज भी याद हैं। जब मुझे अंदर अपने कमरे में बिठाया गया तो वे आंखें फिर मेरे घूंघट से होती हुई मेरे चेहरे पर टिक गई। इस बार मैं धीरे से मुस्कुरा दी। अब उसके होठ हिले। आप मुझे पहचानती हैं, मैं कौन हूं? मैंने सिर हिलाकर ना कहा तो वो बोली, मैं पप्पी हूं, आपकी भांजी। ये था पप्पी के साथ मेरा पहला परिचय। बाद में पता चला कि पप्पी मेरी मजली नंद की बड़ी बेटी थी और अपने नाना नानी की बेहद लाडली। वो अक्सर हमारे घर आती माँ के साथ, पापा के साथ, लेकिन वापस नहीं जाती, हमारे घर रुक जाती थी। उसे पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न ही उसके पापा मामी को भी फिक्र थी। बस उसे तो नाना नानी चाहिए थे, वो नाना नानी के पास रुक जाती थी और लाड़ लेती थी उनका। उसका प्यारा खेल था लुका छिपी। वो कहीं छिप कर चिल्लाती, मामी ढूंढिए, मैं कहाँ हूं? मैं दरवाजे या बड़े वाले बक्से के पीछे से कभी उसकी उड़ती हुई फ्रॉक और कभी लहराता हुआ रिबन देखकर भी उसे ढूंढने का अभिनय करते हुए कहती, पप्पी कहाँ छिपी है भाई? इस दरवाजे के पीछे भी नहीं है, उस बड़े वाले बक्से के पीछे भी नहीं है, अमरूद के पेड़ के पीछे भी नहीं है, फिर कहाँ गए? अम्मा जी, पप्पी कहाँ छिपी है, देखा है?
अम्मा जी मुस्कुरा देती। और तभी अचानक पप्पी सामने आकर उछल उछल कर कहने लगती, मैं यहाँ छिपी थी, नहीं ढूंढ पाई ना। कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति का तबादला पंजिम हॉस्पिटल में हो गया और मैं पटना की अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ गोवा चली गई। गोवा से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद में काफ़ी दिन तक रही, उसके बाद अंत में दिल्ली में आकर हम लोग बस गए। इस बीच पप्पी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी भी हो गई और वो तीन बच्चों की माँ भी बनी। एक बच्चे को खोने का गम भी सहा उसने। अचानक 6 महीने पहले खबर मिली कि पप्पी का कोई ऑपरेशन हुआ है। कैंसर का शक मिटाने के लिए बायोप्सी करवाई गई तो शक झूठा निकला। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने हमारी पप्पी को बचा लिया इस जानलेवा बीमारी से। लेकिन नहीं, हम भ्रम में थे, डॉक्टर भी। उसे तो इस बीमारी ने पकड़ लिया था, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं था। मार्च 1996 में होली से 4 दिन पहले देवर का फोन बॉम्बे से आया कि पप्पी अपने पति के साथ पटना जा रही है, दिल्ली से दूसरी फ्लाइट पकड़ेगी, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर उससे मिल लो। यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। सुनकर हम सकते में आ गए। कल सुबह तो प्लेन आनी थी। अगले दिन हम पति पत्नी हवाई अड्डे पहुंचे तो उसे देखकर दंग रह गए। वो लगभग कोमा में थी। मैंने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से आवाज दी, पप्पी। और मेरा दुर्भाग्य तो देखिए कि इस बार मुझे कहना पड़ा, मुझे पहचान रही हो बेटी, मैं कौन हूं? अपनी डबडबाई आंखों को मैंने यत्न पूर्वक रोका और मुस्कुराने की कोशिश की। सोफे पर लेटे लेटे उसने आंखें खोली, मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराई, हाथ जोड़कर होठों में बुदबुदाकर बोली, प्रणाम बड़ी मामी। और फिर आंखें अपने आप बंद हो गई, जैसे अपनी आंखों पर उसका कोई वश ही नहीं था। उसका माथा एक बार और सहलाकर मैं वहां से उठ गई। उसके पति ने रुंधे गले से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन से अधिक नहीं। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और मन ही मन कहा, नहीं अर्जुन, इतने दिन कहाँ, सही सलामत पटना पहुंच जाए, यही गनीमत समझो। और वही हुआ। होली से 1 दिन पहले उसने हम सबसे मुंह मोड़ लिया। मुझे जब खबर मिली तो मुझे लगा वो फिर से कहीं छिप गई है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ, ढूंढती जा रही हूँ। मैं कहती जा रही हूँ, पप्पी तू कहाँ छिप गई? पर इस बार न तो उड़ती हुई फ्रॉक दिखी, न लहराता हुआ रिबन दिखा, न ही अमरूद का पेड़ था और न ही अम्मा जी थी कि उनसे ही पूछ लेती। हार कर अपना फोटो एल्बम देखने लगती हूँ, कहीं नहीं तो यहाँ अवश्य मिलेगी पप्पी।
और मिल गई। घाघरा चोली पहने, हाथों में एक मटकी लिए, राजस्थानी वेशभूषा में छोटी सी पप्पी। मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया है और कांपते हुए होठ अस्फुट स्वर में कह रहे हैं, देखा, आखिर ढूंढ लिया ना। ये संस्मरण बस यहीं तक। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा, फिर मिलती हूँ कभी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।